मैं अभी आगरा छिपी टोला में हूँ और आप ये दुकान देख पाओगे लाला राम महेश कुमार जैन एंड कंपनी। और इनकी बात करूँ मैं तो ट्रॉली का पूरा आपको ए टू जेड यहाँ पर सामान मिलेगा। मेरे साथ में यहाँ पर राजीव जैन जी और लकी जैन जी होंगे, भैया से बातचीत करेंगे क्या क्या सामान रहता है, किस तरह का रहता है, किन रेटों में रहता है। राजीव भैया अगर मैं बात करूँ तो अपने पास क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग है और क्या क्या ट्रॉली से संबंधित सामान रहता है? ट्रॉली पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है जी, एक्सल है, रिम है, कमानी है, हब है, हुक है, ये आइटम मैन्युफैक्चरिंग है। बाकी और आइटमों की ट्रेडिंग है। बाकी और आइटमों की ट्रेडिंग है। बाकी साथियों अभी मैं लकी भैया के साथ में अभी आपको दिखाऊंगा गोदाम में ले जाके क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ये सारा का सारा सामान है जो ट्रैक्टर ट्रॉली के काम में आता है। क्या सामान है, किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, किस तरह की सारी ये सामान है, इसके लिए मेरे साथ में लकी जैन जी होंगे जो जिनसे जानकारी लेंगे कौन कौन सा सामान और किस तरह का सामान ट्रॉली का उनके पास में यहाँ पर मिलता है। नमस्कार जी, मैं हूँ लकी जैन ट्रैक्टर ट्रॉली पार्ट्स के। ये है हमारे ट्रॉली के धुरे एक्सल्स। अच्छा, जो ट्रॉली के बीच में लगते हैं हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली के एक्सल्स, इसमें सारे साइज मिल जाएंगे आपको। अच्छा, तो साइज क्या क्या रहते हैं इनमें? इसमें साइज अपने 2 इंची से चालू हो जाते हैं, बुकी के धुरे से चालू हो जाते हैं हमारे पास, और 6 इंची तक के ट्रॉली के एक्सल्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, जैसे ये सबसे बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, ये 4 इंची का एक्सल है, इससे भी बड़ा है, वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी नुनियाई में है, वो सब चीज आपको मिल जाएगी अवेलेबिलिटी। आपको 2 इंची बुगी वाले धुरे से चालू है और ट्रॉली तक के 6 इंची तक के धुरे मिल जाएंगे आपको। ये 2 इंची का है। हाँ, ये 2 इंची का है। इसके अलावा 3 इंची, 3.5 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची सब ट्रॉली के एक्सल्स मिल जाएंगे। ये सारे अवेलेबिलिटी रहते हैं। ये आपके पास में बुगी के, ट्रॉली के और ट्रॉला तक के धुरे एक्सल्स रहते हैं हमारे। ट्रॉला तक के ये सारे आपके पास सारे साइज धुरे में सारे मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। और आगे फिर इसके बाद मिलती है ट्रॉली की कमानियाँ। अच्छा, पे सारी कमानियां हैं, बच्चा ट्रॉली से लेकर बड़ी ट्रॉली तक के सारी कमानियां मिल जाएंगी आपको। 30 इंची, 36 इंची, 40 इंची, 42 इंची, 44 इंची, 50 इंची, 52 इंची, सब साइज की ट्रॉलियां मिल जाएंगी। बच्चा ट्रॉली से लेकर अपने ट्रॉला तक की कमानी सारे साइज की अवेलेबल है अपने यहाँ। अच्छा, इनमें क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो इनमें भी कुछ क्वालिटी होती है? क्वालिटी इसमें 3 और 3.5 का अंतर होता है कमानी में, बस एक चौड़ी वाली एक पतली वाली होती है, बाकी इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। इसमें नक्का का फर्क होता है, एक 3 इंची की कमानी आती है, 3.5 इंची की कमानी आती है, ये साइज में फर्क रहता है। तो थोड़ा सा बताएंगे हमें किस तरह का अंतर? हाँ, ये 3 इंची की कमानी है, चौकर है ये। अच्छा, 3 इंची की मोटी लेंथ है, ये भरतपुरी कमानी है, 3 मादी है, मेन के नीचे 3 पटे हैं, ये 3 मादी कमानी है, भरतपुरी वाली कमानी ये। इसके बाद 3 मादी कमानी में अपने पास हल्की वाली अवेलेबल भी है, हल्की वजन वाली क्वालिटी भी अवेलेबल है 3 इंची में। इसका सेंटर बोल्ड अपना 5 सूत का रहता है, हैवी वाली का, भरतपुरी वाली का। इसका सेंटर बोल्ड अपना 4 सूत का रहता है। ये सेंटर बोल्ड, सेंटर बोल्ड, हाँ, ये ट्रॉली का सेंटर बोल्ड 4 सूत का रहता है। ये 4 सूत का, और ये इसमें ये 5 सूत का, 5 सूत का रहता है, 5 सूत का सेंटर बोल्ड है अपने पास का। अच्छा अच्छा, ये है कमानी 3.5 इंची की, 36 इंची की कमानी, ये 3.5 की कमानी जो पतली है मोटी का फर्क आता है, वो 3 और 3.5 में ये फर्क आता है कि ये पतली होती है वो चौड़ी होती है। अच्छा, ये थोड़ा चौड़ाई बढ़ जाती है। हाँ, चौड़ाई बढ़ जाती है। जैसे ये 3 इंची वाली, तो चौड़ाई 3 इंची की जो पतली वाली है वो बच्चा ट्रॉली में भी लग रही है, जैसे ग्राहक की डिमांड है, जैसा वो लगाना चाहे वैसे लग सकती है। अच्छा, बच्चा ट्रॉली की अगर मैं बात करूँ, अगर ये कमानी की बात करूँ तो ये कमानी पे ट्रॉली में कितना वजन तक जो कस्टमर है उठा सकता है? अकॉर्डिंग टू द ट्रॉली है, क्या साइज का हिसाब है, जैसे किसी की छोटी ट्रॉली है उस हिसाब से वो 30 इंची कमानी लगवाता है, किसी की बड़ी ट्रॉली है वो 36 इंची कमानी लगवाता है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सबसे छोटी वाली हम कमानी लगाएं किसी भी ट्रॉली। हाँ हाँ, तो इस कमानी की क्षमता या कैपेसिटी कितनी मालूम है कि इतने वजन तक के लिए कमानी सफिशियंट है? 30 इंची वाली जो छोटी ट्रॉली कमानी है वो 60-70 फुट तक के अवेलेबिलिटी है, 60-70 फुट की ट्रॉली की अवेलेबिलिटी है। और बड़ी ट्रॉली की आप मानेंगे जैसे 42 इंची की कमानी है, वो 3 इंची वाली कमानी, वो अपनी 10 से 15 टन तक की कैपेसिटी सक्सेसफुल है। 10 से 15 टन तक के सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 3 इंची वाली, 3 इंची वाली कमानी है, जो हैवी वाली कमानी है वो सक्सेसफुल है, 10-15 टन आराम से ला दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो कमानियां हो गई। कमानियों के बाद में और क्या? उसके बाद आता है ये ट्रॉली का हुक। ये हुक है जो ट्रैक्टर और ट्रॉली को टो करते हैं, अच्छा, बीच में ज्वाइंट करते हैं, जो ट्रैक्टर के बीच और ट्रॉली ज्वाइंट करके चलती है, ये हुक है। ये अपने पास 2.5 इंची से लट्ठे में 2.5 इंची से चालू है और 5 इंची तक की अवेलेबिलिटी है। अच्छा, 3.5 इंची, 4 इंची, सारे साइज मिल जाएंगे आपको इसमें। देखेंगे इसमें ये भी है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है, 4 है, 5 है, 5 इंची तक के मिल जाएंगे। ये स्क्वायर वाले हैं और गोल वाले आप चाहिए गोल वाले भी मिल जाएंगे आपको, वो 1.5 इंची से चालू है अपने पास। अच्छा, 1.5 इंची से चालू है, वो 1.5 इंची वाले से चालू है। उसके बाद आता है ये अपनी ट्रॉली की रिमें। अच्छा, ये ट्रॉली के बीच में चलती है, रिमें 8 नटी है, अकॉर्डिंग जैसे लोगों की डिमांड है, जैसे 8 नटी धुरा, 8 नटी मतलब ये बोल्ट, ये हाँ बीच के सुराग, ये 8 नटी वाली है, और ये है 10 नटी वाली।
अच्छा वो उधर ये दस नटी वाली रिम है, ये दस नटी है, ग्राहक के डिमांड के ऊपर है। जैसे ग्राहक ट्रॉली में थोड़ा आठ नटी डलवाता है या दस नटी डलवाता है वो उसके ऊपर है। इसमें प्लेट का एक तो 1020 की रिम होती है, ये हो गई 1020 वाले टायर की रिम, ठीक है। ये होती है टाटा वाली रिम, ये छोटे बच्चे ट्रॉली की होती है 750-16 टायर की रिम होती है। ये भी 8 नटी भी मिल जाती है, इसमें अवेलेबिलिटी 5 नटी भी मिल जाती है, जो बुगी बोर की होती है वो भी मिल जाती है। अब इसमें फर्क होता है प्लेटों का, 10 mm, 12 mm, 16 mm, ये सब अवेलेबिलिटी मिल जाएगी अपने पास। प्लेटें सारी मिलेंगी सारी रिम के अंदर, जैसे हल्की रिम चाहिए हल्की मिल जाएगी, भारी रिम चाहिए भारी रिम मिल जाएगी, आपको सारी मिल जाएगी इसके अंदर। अच्छा ये जो नट रहते हैं, ये बोल्ट रहते हैं 8 और 10, इनका भी कुछ अंतर पड़ता है कुछ फर्क नहीं? ये तो धुरे के ऊपर है, जैसे किसी ने 10 नटी का धुरा लिया, जैसे वो धुरा 10 नटी का है, जैसे ये धुरा है अपना, ये 10 बोल्ट का सुराख का हब है, तो 10 नटी की रिम आएगी और वो 8 सुराख का। नहीं तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये जो 10 है हमारे पास धुरे में, तो 10 में और 8 के में कुछ अंतर रहता है वजन वजन उठाने का? नहीं, वजन वजन का अंतर नहीं रहता आजकल, जैसे कि जिस एरिया का जैसे सेक्शन है उसकी डिमांड वैसी रहती है। जैसे कि मेरे को 8 नटी चाहिए या मेरे को 10 नटी चाहिए, मेरे आपको चाहिए? मैं वही जानना चाह रहा हूँ 8 नटी और 10 नटी का यूज क्या है। 10 नटी आज आने वाले टाइम में जो गाड़ियां बची हैं वो 10 नटी की बची हैं, और 10 नटी में वजन बहुत हैवी है। अच्छा। हवा में वजन हैवी है तो वह हैवी लोड लेगा, लोड भी हैवी लेगा, वही चीज जानना चाहता हूं। लोड भी हैवी लेगा, जो 10 नटी है वो हैवी लोड है, वो बहुत हैवी है, वो 5 इंची के बराबर का उसका वजन है उसके। उसके बाद आता अपने पास ये ट्रॉली की हबे, अगर अलग से चाहिए किसी की हबे टूट जाती हैं तो सब साइज अवेलेबल है अपने पास, हबों की सारी साइज अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, जो साइज आपको अवेलेबिलिटी चाहिए सारे साइज अवेलेबिलिटी मिल जाएंगी आपको। ट्रॉली के सारे हब रहते हैं सारे, तो ये भी इंच और धुरे के हिसाब से रहते होंगे? नहीं नहीं, इंच के हिसाब से नहीं रहते हैं, ये बेरिंग साइज के रहते हैं। जैसे धुरे में बेरिंग साइज लगा 13-16 तो 13-16 आएगा, 14-19 लगा तो 14-19 आएगा, 16-18 लगा तो 16-18 आएगा, 18-20 है, 20-22 है, काफी सारे साइज है। जो आपको साइज चाहिए वो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो साइज आपको कहीं मिल भी रहा हो तो वो आप यहाँ आ जाएगा अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग। कुल मिलाकर ये है कि अगर आप ट्रॉली से संबंधित कोई भी छोटा या बड़ा पार्ट कोई भी आप लेना चाहते हो, सारा ट्रॉली का सारा स्पेयर पार्ट, ट्रॉली से लेकर धुरा, कमानी, रिम, जैक और लट्ठी के होकर, ये सब अपने खुद के बनते हैं, और ट्रॉली की हबे अपनी खुद की बनती है। इवन मैकेनिकल जैक जो होते हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली को ऊपर करते हैं, मैकेनिकल जैक होते हैं जो टायर पंचर भी यूज में काम आते हैं, वो भी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा रेट का एक आइडिया हो जाए भैया, रेट क्या किस तरह से रहते हैं? मान लीजिए धुरे की बात करूँ, अगर जैसे ये आपने 2.5 इंची का धुरा बताया था, 2.5 इंची का धुरा, तो 2.5 इंची धुरे में स्टार्टिंग कीमत क्या रहती है या क्वालिटी इनमें भी रहती है? इसमें भी क्वालिटी और साइज का हिसाब रहता है, क्योंकि इसमें साइज बहुत सारे हैं। आपने अभी देखा था मेरे कस्टमर पे, अभी यहाँ पर जो आए थे हमारे पास लेने के लिए, उसमें साइज का वो खुद कंफ्यूजन थे, क्योंकि ट्रॉली के साइज के हिसाब से होता है। कोई कहता है कि 56 इंची का धुरा चाहिए तो 56 इंची के हिसाब से है, कोई 66 का चाहिए 66 के हिसाब से, 54 का चाहिए 54 के हिसाब से, और फिर जैसा मार्केट का रेट की वैल्यू होगी उस टाइम के रेट के हिसाब से, एक कोई प्राइस इसका फिक्स नहीं है। मैं जैसे मान लीजिए 56 का है तो 56 में चौड़ाई बढ़ जाती है। हाँ हाँ, साइज बढ़ जाता है बिल्कुल, और 54 में चौड़ाई थोड़ी सी कम हो गई तो वो रेट कम हो जाएंगे, लट्ठा कम होगा तो लट्ठा के पैसे कम हो जाएंगे। अच्छा, तो ये रेट वजन के हिसाब से होते हैं? नहीं नहीं, पर पीस के हिसाब से होते हैं, ये वजन के हिसाब से नहीं आती है। हाँ, कमानी की बात करें तो कमानी आपको वजन के हिसाब से मिल जाएगी। अच्छा, कमानी आपको वजन के हिसाब से मिल जाएगी, जैसी आपको चाहिए हल्की भारी जैसी चाहिए वैसी है। तो कमाने के वजन के हिसाब से क्या रेट रहता है? वैसे मान लीजिए अभी का जो रेट, आगे तो पता नहीं रेट आगे का ऊपर नीचे क्या जाएगा, अभी का क्या रेट है? कमाने का अगर बात करें, अपनी भरतपुरी कमानी 70 रुपए किलो है। अच्छा, 70 रुपए किलो। जितनी हैवी कमानी पे जाएंगे वो बाई वेट से आएगी, जितनी छोटी कमानी पे जाएंगे वो बाई नक से आएगी, क्योंकि उसकी लेबर उतनी ही कॉस्टिंग जाती है, इसलिए वो बाई वेट के हिसाब से आती है। आप बड़ी कमानी लेंगे तो बड़ी कमानी बाई वेट 70 रुपए किलो आएगी, और छोटी कमानी बाई नक से आएगी, क्योंकि एक्चुअली क्या लेबर उसकी कॉस्टिंग होती है, तो इसलिए वो वहाँ कम प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए फर्क पड़ता है। अच्छा, बट वो भी नॉर्मल रेट से मिलेगी आपको, कोई ज्यादा हाई फाई रेट से नहीं मिलेगी, नॉर्मल रेट से। मार्केट से अगर सस्ता हो तभी लीजिएगा, वरना अन्यथा हमारी गारंटी है पूरी मार्केट। अच्छा, अपना थोक का रहता है या रिटेल का रहता है? अपना टोटल काम होलसेल का, रिटेल का। रिटेल तो अपनी जैसे कोई कस्टमर आया तो रिटेल में भी देते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल का होलसेल का काम है अपना। अच्छा, मान लीजिए कोई रिटेल वाला आ भी जाता है तो उसके लिए रेट अलग थोड़ा बहुत का फर्क रहता है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं रहता, क्योंकि हमें मार्केटिंग करनी है। ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी ग्राहक को 10 का माल 20 में दे थोड़ी दे देंगे मार्केट में, जिसका 10 का माल 10.5 में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि 10 का माल आपको 25 में मिले, ऐसा कोई काम नहीं अपने यहाँ। अच्छा, धुरे का रेट तो आप कह रहे हो साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, काफी सारे साइज रहते हैं, तो धुरे का रेट तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, कमानी का आपने बताया कि 70 रुपए किलो से ये भरतपुरी कमानी मिल जाएगी, और बाकी जो छोटी कमानी हो पर पीस के हिसाब से मिलेंगी। बाकी इधर ये हुक है, हुक का हमारे बाई वेट ही है, सारे बाई वेट चाहिए बाई वेट मिल जाएंगे, सारे चीज बाई वेट से। इनका बाई वेट क्या रहेगा? इनका आज की पोजीशन में 85 रुपीज पर केजी है, जैसा आज का पोजीशन है, कल की जैसी पोजीशन आएगी तो वो कल की पोजीशन, वो तो भाव ऊपर नीचे रहता है। रिम की बात करूं तो रिम का क्या प्राइस रहता है? रिम में भी रिम का प्लेटों के हिसाब से, अकॉर्डिंग प्लेट के हिसाब से है, ये पतली ब्लेड है मोटी ब्लेड है, वो प्लेट के हिसाब से है, जैसा चाहिए गहरा। मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस क्या? मिनिमम मान के चलिए
3000 रुपए से चालू हो जाती है रिम है अपने ट्रॉली की, ट्रॉली की सेंटर प्लेट वाली 3000 रुपए से चालू हो जाती है और 9000 रुपए तक की रिम है। प्लेट के अकॉर्डिंग है, प्लेट जितनी पतली लेंगे जितनी मोटी लेंगे उस हिसाब से है, उस हिसाब से है। हाँ। और इधर ये इनका क्या करीब रहता है प्राइस? ट्रॉली के हब को साइज के हिसाब से भी रहता है, बाई वेट के हिसाब से भी रहता है, जैसे आपको चाहिए वैसे ही रहता है। बाई वेट का भी बता दीजिए, बाई वेट अभी क्या चल रहा है? 90 रुपए किलो है। 90 रुपए किलो आज की पोजीशन में? आज की पोजीशन में ये 90 रुपए किलो है। 90 भी है, 85 भी है। जैसा माल है, रिजेक्शन वाला माल है तो रिजेक्शन वाला माल सस्ता मिल जाता है। वो मार्केट में रिजेक्शन माल बिक रहा है वो 85 रुपए है तो 85 वाला माल मिल जाएगा अगर रिजेक्शन चाहिए, और फ्रेश माल चाहिए वो 90 रुपए किलो है। ये भैया का यहाँ पर ये छिपी टोला पर गोदाम है, बाकी मैं मैन्युफैक्चरिंग भी किसी दूसरे वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा भैया की। आपकी छिपी टोला पर दुकान है, अभी दुकान पहुंच के मैं दुकान का एड्रेस और लोकेशन आपके साथ में शेयर करूंगा और भैया का नंबर भी शेयर करूंगा जिस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक चीज और भैया की, अगर कोई बाहर से ऑर्डर करता है तो आप बाइक ट्रांसपोर्ट या बाइक ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल चले जाता है? कहाँ कहाँ पहुंचवा सकते? ऑल ओवर इंडिया, जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ मिल जाएगा, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वहाँ सब जगह मिल जाएगा आपको ऑल ओवर इंडिया। तो ये लकी जैन जी थे, आप ट्रॉली के पार्ट्स कोई भी लेना चाहते हो, होलसेल का सारा है और खुद की मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी बात है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने कहा कि अगले वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग भी लकी भैया के साथ में दिखाऊंगा, बाकी एक बार मैं आपको दुकान का एड्रेस और दिखा देता हूं। तो अगर आप सामान ट्रॉली से संबंधित कोई भी लेना चाहते हैं तो नंबर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं भैया का, आप बेझिझक इनसे कॉल कीजिए और अपना सामान इनसे मंगा सकते हैं। भैया अगर मैं बात करूं तो अगर किसी को संपर्क करना हो आपसे जी तो एड्रेस क्या रहेगा, नंबर क्या रहेगा आपका? ये छिपी टोला है, 29/231 छिपी टोला आगरा। छिपी टोला आगरा जी। आने के लिए अगर मैं स्पेसिफिकेशन रास्ता चाहूं तो रास्ता थोड़ा एक आइडिया दीजिए। छिपी टोला चौराहे से वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है जी, और बिजलीगढ़ से ही पास में, बिजलीगढ़ से ही पास जैन मंदिर के पास में है, सत्तूलाला हलवाई के सामने। अच्छा जी, तो ये भैया का एड्रेस है, नंबर और एक बार मुझे बता दीजिए जिससे कि लोग आपसे संपर्क कर सकें उन नंबरों पे अगर किसी को कोई क्वेरी हो। 9557994505 इस नंबर पे आपसे बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल।